हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नया और इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया है। और ये जो अपडेट है वो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सीजीएल टायर वन 2020 का है। तो जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम लिखे थे सीजीएल ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टायर वन का 2020 वाला, उसका रिजल्ट आ गया है। तो द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टायर वन 2020 फ्रॉम 13 अगस्त 2021 से लेकर 24 अगस्त 2021 को कंप्यूटर बेस्ड मोड में। तो जितने भी कैंडिडेट्स लिखे थे उनका डेट जो था वो इतना से इतना तक के था, आप लोगों को पता ही है। तो उसके हैं बेस्ट ऑन मार्क स्कोर इन टायर वन एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज टू अपीयर इन टायर टू एंड टायर थ्री एग्जामिनेशन। तो जो भी कैंडिडेट पास किए हैं टायर वन में वो अब शॉर्टलिस्ट किए गए हैं कैटेगरी वाइज अपीयर होने के लिए पेपर टू और पेपर थ्री एग्जाम के लिए। सेपरेट कट ऑफ हैज बीन फिक्स्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर एंड ऑल अदर पोस्ट। और सेपरेट कट ऑफ जो है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया, यहाँ इस प्रकार से कहा गया। साथ साथ आप यहाँ पर और देख सकते हैं एज पर द टायर वन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम द कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट्स हैव बीन नॉर्मलाइज्ड एज पर द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय कमीशन ऑन वेबसाइट 17 तारीख को ये फॉर्मूला दिया गया था, आप लोगों को पता ही है। तो यह पर जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए है वो टायर टू और टायर थ्री के लिए अब उसी प्रकार का यहाँ पर यूज किया जाएगा। थ्री कैंडिडेट्स वेयर फाउंड टू अपियर इन टायर वन ट्वाइस, इसमें जो दिया गया वो तीन जो छः कैंडिडेट्स हैं वो दो बार एग्जाम दिए गए हैं, या इस प्रकार से ये भी कहा गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ दिया गया है, द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेटिंग क्वालिफाइड फॉर पेपर टू एंड पेपर थ्री फॉर द एग्जामिनेशन एज फॉलो। तो यहाँ पे जो है कट ऑफ दिया गया जो कि पेपर टू और पेपर थ्री एग्जाम में जा सकते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स, कैंडिडेट्स अवेलेबल भी है यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। तो एससी के लिए 145 से ऊपर है, एसटी के लिए 140 से ऊपर है, ओबीसी के लिए 161 है, EWS के लिए 164 है, UR के लिए 167 है, OH के लिए 135 और HH के लिए 109 से ऊपर का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और टोटल जो स्टूडेंट हुआ है 5429, ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। इसके बाद में है यहाँ पर जो है टायर वन के लिए पेपर टू के लिए जो है होने वाले हैं वो टायर थ्री के लिए, ये सभी यहाँ पर सारी चीज़ दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर है, यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज दिया गया है। उसके अलावा में रिजल्ट फॉर द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन केप्ट विथ हेल्ड द कंपलीशन ऑफ वेरियस कोर्ट ऑर्डर्स, ये कोर्ट ऑर्डर्स में ये सब सारे चल गए हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में है आपका द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टायर टू एंड टायर थ्री एग्जाम इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड बाय द 28/1/2022 से लेकर 29/1/2022 एंड 6/2/2022 रेस्पेक्टिवली। तो ये जो है टायर थ्री और टायर टू का जो एग्जाम होगा वह आपका 28 जनवरी 2022 को होगा, 29 जनवरी 2022 को, साथ साथ में 6 फरवरी को भी होगा। ये सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड गवर्नमेंट गाइडलाइन इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू हैंडलिंग फॉर द कोविड-19 पेंडेमिक। तो कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस को उसके हिसाब से भी ये बताया जाएगा, जो कि समय समय पर बताया जाएगा। द एडमिट कार्ड जो होगा वह एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले होगा आपको जारी, ये भी कहा गया। द कैंडिडेट्स हु आर अनेबल टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड, वे लोग जो भी है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे वे अपना रीजनल ऑफिसर से इमीडिएटली मिल करके उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्क्स फॉर द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड फाइनल आंसर की अलोंग विद द क्वेश्चन पेपर इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट विज हेस्टेड इन 3/2021 ऑन द कमीशन वेबसाइट। कैंडिडेट्स में चेक दे रिजल्ट 3/12/21 से लेकर के 24/12/21 तक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नंबर से और पासवर्ड डाल करके ये अपना देख सकते हैं, ये अपना जो दिया गया है वेबसाइट। तो ये है आपका स्पेशल डेट है वो 3/12/2021 को आ जाएगा और उसको आप देख सकते हैं 3/12 से लेकर 24/12 तक देख सकते हैं, ये अंडर सेक्रेटरी यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं। तो आज ही ये रिजल्ट जारी हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है एसएससी की ओर से। तो आप यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं डिक्लेरेशन तो हो गया है और जो भी कैंडिडेट्स पास किए हैं वो अब पेपर टू यानी कि टायर टू और टायर थ्री के एग्जाम के लिए रेडी हो जाएं। और यहाँ पर साथ साथ में जो है कट ऑफ मार्क्स भी दिया गया तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यही एक बहुत बड़ा अपडेट है एसएससी की ओर से।